युवाओं की एस्पिरेशंस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बलि चढ़ रहे थे। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसे सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को रीइमेजिन करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे। सरकार गरीबों को एम्पावर करने के लिए वेलफेयर डिलीवरी को कैसे सुधारे, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार अधिक एफिशिएंट तरीके से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार का देश के नागरिकों के साथ कैसा रिश्ता हो, रिलेशन हो, हमने रीइमेजिन किया। मैं आपको वेलफेयर डिलीवरी से जुड़ी रीइमेजिनेशन पर विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। गरीबों के पास भी बैंक अकाउंट हो, गरीबों को भी बैंक से लोन मिले, गरीब उनके लिए अपने घर और प्रॉपर्टी के राइट्स मिले, उन्हें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इनकी पहले उतनी जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। इस सोच को बदला जाना, रीइमेजिन किया जाना बहुत जरूरी था। कुछ लोग गरीबी हटाओ की बातें भले करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले गरीबों को देश पर बोझ माना जाता था, इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। जबकि हमारा फोकस गरीबों को एम्पावर करने पर है, ताकि वे देश की तेज ग्रोथ में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कंट्रीब्यूट कर सकें।